हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं पेन 10 एलियन फोर्स। तो आप सभी लोग को याद होगा लास्ट वाले एपिसोड में गाइस, मैं यानी कि बेन और ग्वेन गए थे यार एक जगह पर गाइस। वहाँ पे हमने काफ़ी सारे ना मतलब अलग अलग टाइप की पजल वगैरह सॉल्व की थी। मतलब कि एक जगह पर जाना था हमको एक क्रिस्टल लेने। अब गाइस वो क्रिस्टल पता नहीं भाई कहाँ पर मिलता, बट यार एक रास्ते में हमें अजीब सी जगह दिखी थी तो हम वहाँ पर रुके थे। अब गाइस वहां पे बेन और ग्वेन गए थे, केविन नहीं गया था। अब गाइस उस क्रिस्टल को वहां पे ढूंढने के लिए भाई परेशान हो गए थे, लेकिन गाइस वो नहीं मिला था। अब उस जगह पर जाने के बाद गाइस वहां पे ना हमको काफी एलियंस मॉन्स्टर से फाइट करने के बाद लास्ट में वोल्केनस दिखाई पड़ा। और गाइस हमारी फाइट हुई थी लास्ट टाइम पे वोल्केनस से। और गाइस कमाल की बात ये थी कि वो जो क्रिस्टल टाइप था ना वो वोल्केनस के ही पास था। अब जैसे ही ये बात हमने गॉर्वन को बताई, गाइस गॉर्वन ने कुछ खास ध्यान दिया नहीं, लेकिन गाइस जो केविन है ना उसको थोड़ा बहुत उस पर शक था कि ये कुछ ना कुछ छुपा रहा है। अब जितने भी क्रिस्टल्स टाइप हैं सब के सब गॉर्वन के पास हैं। और गाइस अब बेन ने लास्ट टाइम ये कहा था कि गाइस वो ग्वेन से पता लगवाएगा कि आखिर गॉर्वन क्या छुपा रहा है वहां के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके। तो देखते हैं क्या पता चलता है। सो गाइस गेम अपना कंटिन्यू हो गया है। तो ये गॉर्वन ना सच्ची में भाई बहुत ही ज्यादा आकड़ू है, कुछ ना कुछ तो भाई गड़बड़ है। कि तो कहीं पे प्लमर्स की जरूरत है। अबे ऑर्डर तो ये ऐसे देता है जाने के जैसे कि भाई पता नहीं यही हमें कंट्रोल कर रहा। गाइस ये सच्ची में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। के तो हमें थोड़ा बहुत सावधान रहना पड़ेगा यार, ये कभी भी धोखा दे सकता है। अभी मैं आगे थोड़ा सा चलता हूँ। ओके, तो पता नहीं इसका क्या ही नाम है, अजीब सा गंदा सा जेनोन साइट करके कुछ नाम है इसका। तो अभी चलो खैर इसको तो हम धो देंगे, इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में देख लिया है अभी यहाँ पे। वैसे इसमें दो दो घुसंड की जान नहीं है, मैं भी क्या ही अटैक यूज कर रहा। अब यार मैं काफी दिन टाइम बाद इस गेम को खेल रहा हूँ ना, तो यार मैं भूल चुका हूँ मतलब मैंने कौन कौन से अटैक्स अनलॉक किए थे। तो एक बारी कॉम्बो लिस्ट चेक कर लूँ मैं, लिस्ट टाइम इन। तो अपर डेग ये नोवा ब्लास्ट, रिंग ऑफ फायर, फ्लेम फायर, और यार यहीं तक था क्या, हॉट एयर फ्लेम थ्रोवर था लास्ट। हाँ फ्लेम थ्रोवर जो कि कॉम्बो इसका ऐसे है। तो ठीक है, तो अभी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा खेलते खेलते हाथ खुल जाएंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया फ्लेम थ्रोवर, मैं भूल ही गया था। और वैसे यार अटैक ये काफ़ी ज़बरदस्त है फ्लेम थ्रोवर वाला। खैर इनके ऊपर इतना भारी अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बच्चे वैसे ही हैं, कल पैदा हुए थे जैसे। और भाई ये सच्ची में आज ना सही में बहुत ज़्यादा फाइट इनके साथ आज होने वाली है अपनी। और भाई ये रोड एकदम सुनसान है भाई, कोई आता जाता है नहीं लग रहा। वैसे गेम भी तगड़ा ही है। अभी यहाँ पे भाई ये टिंगनू मिंगनू से सही लड़ूंगा क्या भाई, कोई बड़ा एलियन लाओ है तो, वरना चले जाओ यहाँ से। ओके तो डीएन एलियंस। ओके तो ठीक है, ये इसके रेंज मील स्पीड। डीएन एलियंस के बारे में यार मैंने थोड़ा वो देखा है सीरीज में, ज़्यादा कुछ नहीं पता। ओके जमा दिया भाई इसने तो इसकी भैंस की, तुझे नहीं छोड़ूंगा। अबे बेन पर अटैक किया। ओके तो स्वम फायर, बिग चिल, तो कौन सा खुलेगा बे, तो बिग चिल का भी ये खुल गया। जेट रे, स्वम फायर, तो स्पाइडर मंकी का खोल लेते हैं। कम एंड गो, ये पता नहीं कौन सा होगा, देख लेंगे। इसको ही खोलते हैं, और तो कुछ दिख नहीं रहा मेरे को, यही खोल लेते हैं। चलो चलो भाई इसे ही खोल लिया अभी।
भी चलो 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 बिग चिल। वैसे भाई बिग चिल भी काफी तगड़ा है, बस ये कूबड़ा हो जाता है चलता चलता। तो हाँ ये वाला अटैक था जिससे लेग लॉक्ड अटैक था ये, तो इसको भाई ये सब तो एक एक घुसंड के नहीं है इसके। भाई बिग चिल का ये अटैक ज्यादा बढ़िया है, फास्ट रेड एलियन है, यानी कि गाइस जेटरे की बात हो रही है, तो जेटरे ही चला जाएगा यहाँ पे। तो जेटरे कम है, और क्योंकि यार बिग चिल इतनी लंबी जंप नहीं मार पाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। जेटरे अपना काफ़ी ज़्यादा काम का है, लेकिन यार यहाँ पे ना मैं जेटरे से फाइट अभी लेना नहीं चाहता, बिकॉज़ यार उसके ना बहुत ही कम कॉम्बोज अनलॉक्ड हैं। तो बिग चिल को ही बुलाते हैं अपने वापस और इन सब को ढीला करते हैं अभी। तो भाई ये कुछ ज़्यादा ही चौड़े हो रहे अभी, एक एक अबे भाई मेरे पीछे स्पॉन हो गया ये, ले एक घुसंड का है नहीं भाई। और कौन कौन है? अच्छा गो का ऑप्शन आ गया भाई, तो यहाँ पे यार फिर से जेटरे लेना पड़ेगा। जेटरे की फाइट यार मेरे को बिल्कुल सही नहीं लग रही इस टाइम पे। खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी जल्दी से जेटरे ही लेते हैं, जब जेटरे का है तो जेटरे ही लेंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अभी जल्दी से चलते हैं आगे और देखते हैं क्या सीन है भाई। ये इतना बड़ा घटिया सा ट्रक किसका खड़ा है? अभी थोड़ा बहुत चार्ज होने देते हैं इसको, स्पाइडर मंकी ले लेते हैं, काम करते हैं तब तक। तो स्पाइडर मंकी ठीक ठाक लड़ लेगा। अबे भाई ये वाला, अबे भाई स्पाइडर मंकी को जमाएगा तेरी भैंस की, तुझे पता नहीं भाई किसे जमा रहा तू, पैदा हुआ नहीं ढंग से और लड़ने आ गया। और यार ये अटैक्स इसके यार समझ के बाहर हैं स्पाइडर मंकी के भी थोड़ा बहुत। यार मैं गेम के कंट्रोल ही भूल चुका हूँ। खैर कोई नहीं, धीरे धीरे खेलूँगा तो कॉम्बोज याद आ जाएंगे। खैर तब तक थोड़ी बहुत हेल्थ बढ़ा लेते हैं। ओके तो आप है सर, आप नहीं 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 सर, नहीं 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 आप भी पिटेंगे भाई। एक एक करके अभी इन सब के मैं भरने वाला हूँ एकदम बढ़िया करके। खैर ये तो गए इसके चेले चपाड़े। गाइस आज मैं सोच रहा हूँ पता नहीं हमारी किस एलियन से फाइट होगी आज बड़े वाले। भाई इस गेम में ना काफ़ी सारे विलेंस होने चाहिए मेरे ख्याल से। अभी दो से तो एक तो हम बड़े से जिस मॉन्स्टर को हमने हराया था उनमें से एक तो है अभी अपना जो वो फॉरएवर नाइट्स का ड्रैगन था, और गाइस एक हमने वोल्केनस को हराया है। गाइस हो सकता है अगर ये गॉर्वन आगे चल के हमें धोखा दे तो शायद से भाई गॉर्वन से भी हमारी फाइट हो, और शायद से क्या भाई उसके हरकतें देख के तो लग रहा कि भाई वो पिटेगा ज़रूर। खैर अभी यहाँ पे जितने भी बंदे हैं इन सबको मैं उड़ाऊँगा। और भाई ये हथौड़े को इतनी पता नहीं क्या ही गन टाइप की चीज़ है जो इसके पास में, ये बहुत तेज मारता है यार। और यार ये स्पाइडर मंकी का निशाना सही नहीं लग रहा। अबे छोड़, अबे हाँ यार अभी पुचका दिया था एकदम। अभी भाई यार चार्जिंग भी अपनी मतलब बैटरी भी कम होती जा रही है यार, और हेल्थ भी। तो जेटरे खोल लेते हैं, उग्रलिंग ड्रेविश करके पता नहीं क्या ही अटैक है, तो ये खोल लेते हैं। और तो सब अभी है अनलॉक, तो मतलब कि अभी यार स्वम फायर के और कितने अटैक्स बच रहे होंगे, मैं ये सोच रहा एक बारी स्वम फायर का खोलेंगे इस बारी और देखते हैं उसके कितने बच रहे होंगे। आई थिंक ये लास्ट बचेगा उसका, और कॉम्बोज तो नहीं हो सकते इतने ज़्यादा तो नहीं होते। खैर भाई यहाँ पे ये सब बच्चू यार, ये अटैक तगड़ा है जेटरे का। अबे भाई जेटरे भी यार काफ़ी कमाल है, मैं इसको हल्के में ही ले गया। ओके तो ये डीएन एलियन सोल्जर ये बिना वेपन के फाइट करते हैं भाई, जिनकी स्पीड तो ठीक ठाक लग रही, दो हैं और देखते हैं फिर भी भाई क्या कर लेंगे ये। तो आ जावे तेरी भैंस की टांग, अबे तिरखू भाई ये तो एक भी नहीं झेल पाया होगा। जेटरे का ये वाला अटैक ना काफ़ी तगड़ा लग रहा मुझे। खैर जेटरे का स्लैश भी काफ़ी सही है, तो ये देखो भाई इन सबको मैं घुमा घुमा के यहीं पे इनके पेट में ड्रिल कर दूंगा। अबे भाई इसने भाई मेरे ऊपर कुछ भाई दो बारी अटैक दे दिया इन्होंने, अब नहीं बचोगा, तीनों में से एक नहीं बचेगा। और भाई जितने भी पेड़ वेड़ थे भाई ये दिख भी नहीं रहे भाई, दूर से ही अटैक कर रहे। रुक जाओ पहले, मैं ज़रा यहाँ पे थोड़ी हेल्थ वेल्थ भर लूँ। अबे यार एक तो ये जेटरे भी आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा, तो अब भाई जेटरे का क्या ही लुक आ रहा भाई, इतना खतरनाक दिख रहा भाई ये इस टाइम पे पूछो मत। और एक एक घुसंड में निमट जाओगे अब तो तुम, जरा बस एक लगने की देर है भाई तुम सब जाने वाले हो सीधा धार पे।
अबे भाई एक भाई इनका जरा जरा सा हाथ पड़ रहा और ये कहाँ कहाँ जाके गिर रहे हैं। मुझे तो बहुत हंसी आ रही भाई ये सब देख के। एक एक हाथ में भाई मतलब इतनी पावरफुल हो गए ना अब अपन जब से जेटरे ने ये लिया, और भाई उसका पावर ख़त्म भी हो गया वैसे यार उससे ना, ये वाला जेटरे ज़्यादा बढ़िया लग रहा। खैर अभी ये सब जाने वाले हैं एक एक घुसंड में, और भाई यार मैं सही टाइम पे बच गया वरना अभी ये मेरे को फिर से बर्फ़ बना देता। खैर भाई मैं अब इनसे बर्फ़ पानी खेलने नहीं आया, अभी जल्दी से ना यहाँ से आगे की तरफ में चलते हैं। और यह जेटरे चलता नहीं सिर्फ उड़ता है, इसको चलना आता ही नहीं, इसके पैर जो हैं ये सिर्फ खड़े होने के लिए हैं, चलना इसको कुछ नहीं आता। और ये यार जेटरे वैसे एक फाइटिंग एलियन है नहीं उस हिसाब से, उसके कॉम्बोज वगैरह भी। अबे मेरे ऊपर अटैक, अबे ढक्कन चूरन अब लगेगा तेरे पट खिंचा के। स्वम फायर एक फाइटिंग एलियन है और इनमें से कोई भी खास फाइटिंग एलियन नहीं लग रहा मेरे को, बिग चिल भी नहीं है उतना खास। अभी स्वम फायर का खोलते हैं हैंग टैन, तो ये देखते हैं कैसा अटैक है। तो भाई ये तो कुछ गैस पास कर रहा है कुछ, तो ये देखते हैं क्या काम करता है। ओ भाई साहब ये तो तगड़ा अटैक है भाई, इससे तो हम किसी को भी वहीं के वहीं लॉक कर देंगे। एक सेकंड इसका ट्राई देख लेते हैं। ओके भाई ये तो पकड़ के सीधा ज़मीन में मारे छोरा, कमाल है। कोई बात नहीं भाई ये तगड़ा सीन है, ऐसे ही अटैक्स खोलते रहो भाई मज़े आ जाएंगे अपने तो। तो भाई यहाँ पे स्वम फायर अभी मेरे ख्याल से एक आध अटैक बच रहा होगा इसका, ज़्यादा तो नहीं। ओके तो ये देखो अब देखना ध्यान से भाई साहब एक ही बार में कितनी एक्सपी मिल जाती है अब गाइस। और भाई मेरे तो इन सब पे भाई खतरनाक अटैक यूज़ करने वाला हूँ एकदम लाइट अटैक। तो ओके भाई चूरन ढक्कन भाई कहाँ से निकल के आया, और ये ले भाई साहब एक साथ दो दो गए। अभी खैर एक साथ नहीं गए यार अलग अलग ही गए। अभी यहाँ पे मेरे को चढ़ना है तो जल्दी से चढ़ते हैं यहाँ पे। अबे यार गलती हो गई, एक सेकंड ढंग से चढ़ना है। सो गाइस अभी मैं फाइनली यहाँ पे स्पाइडर मंकी को बन के चढ़ चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे अच्छा तो चढ़ गया। तो अभी यहाँ पे यार मैंने क्यों रिस यार मैं वापस से बैन क्यों बन गया। अबे यार जल्दी 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 धर तो इनके दो चार, और तू क्या है बे भाई इस पे अटैक यूज़ कर रहा मैं भला। ओ माय गॉड एक साथ दो दो पर लगा बे। ओके गाइस तो कमाल है यार ये तो। अभी यहाँ पे भाई जेटरे ही काम आने वाला है, लेकिन यार उसकी फाइट बढ़िया नहीं है। खैर कोई नहीं जेटरे प्लीज़ हमारी सहायता कीजिए जेटरे सर। तो यहाँ पे अभी तुम सब तो जाने वाले हो बेटा, तुम सब तो पैदा भी नहीं हुए और लड़ने आए हो देखो किससे। अब वैसे जेटरे को भी यार हल्के में ले गया मैं, इसके अटैक्स काफ़ी सॉलिड हैं लड़के के। अबे भाई 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 ये कहाँ से दो दो तीन तीन पैदा होके आ जाते हैं। ये छोटे वाले जो एलियन है ना जेनोसाइड भाई, ये तो दिखाई भी नहीं दे रहे, बट ये जो डीएल एलियंस और डीएन एलियंस सोल्जर हैं इन्होंने भाई काफ़ी तबाही मचा रखी है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, इन सबको भी झेल लेंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं है ये। अबे भाई इसके लग भी नहीं रहा ये इतना छोटा है। खैर कोई नहीं अभी ये तो लग गया और ये एक्सपी भी कलेक्ट हो गया। यार यहाँ पे ना ये एक ये वाला जो वॉच है ना एक ये वाला है आई मीन ओमनीट्रिक्स, तो बिग चिल बनते हैं यहाँ से। ओके तो भाई काफ़ी तगड़ी चीज़ है। ओके तो तुम सब तो गए बेटा, बिग चिल को हल्के में ले गए तुम। अबे भाई 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 भाई, 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 भाई वो कुछ बोल रहे भाई सुनाई नहीं दे रहा मेरे को फाइट में। अबे भाई उन्होंने कुछ बोला अभी के अभी मेरे को समझ में नहीं आया, पर खैर कोई नहीं देख। अबे भाई मेरे को बिग चिल को जो सबको जमाता है तुम उसे जमाओगे हैं। ओके गाइस तो जो स्वम फायर है वो ख़त्म हो गए उसके सारे अटैक्स, तो बिग चिल का अनलॉक कर लेते हैं शायद ये भी ख़त्म हो जाए। स्पाइक्ड ये कौन सा अटैक है बे स्पाइक्ड, ओ माय गॉड यार ये तो तगड़ा ही अटैक है। ओके तो ये ब्रिज तोड़ना क्या। ओके तो इसे तो मैं ऐसे ही तोड़ दूंगा, ये सुनने की क्या ज़रूरत। तो ये गया, अब इसके ऊपर से हमें जाना है। हाँ अबे चढ़ जा बिग चिल भैया चढ़ जाओ। तो चढ़ गया। इधर से नीचे ही जाना होगा और तो कहीं जगह है नहीं, तो चलो अभी चलते हैं सामने की तरफ में। अबे भाई ये चूरन एक सेकंड यार ये तगड़ा ही अटैक है वैसे।
बट यार इससे अपनी पावर बहुत ज़्यादा जा रही, तो इसलिए इसको इन छचुंदरों पे यूज़ करने की कोई ज़रूरत है नहीं मेरे को। जब कोई बड़े एलियन से फाइट होगी ना, तब ऐसे अटैक दिमाग में आते नहीं, वरना भाई तब इन्हें मारो तो कितनी ज़्यादा हेल्थ जाएगी। खैर कोई दिक्कत नहीं है, वैसे उन एलियंस पर ये सारे अटैक इतने खास काम करते भी नहीं हैं। और ये देखो तू तो गया बे ढक्कन, अभी स्पाइडर मंकी का वक्त आ चुका है, तो ये लगा स्पाइडर मंकी वार। अभी उधर की तरफ में चलते हैं, तो इधर से अच्छा हम अपर चढ़ सकते हैं ना, स्पाइडर मंकी में सही टाइम पे बन गया, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। ये तो गलती से तुक्का लग गया, खैर कोई नहीं, तुक्का भी सही लगा, कोई गलत बात नहीं है। अभी यहाँ से भाई अच्छा इधर से कूदना है ना, कूद के हम लोग, अबे भाई मेरा ही वेट कर रहे थे क्या यहाँ पे खड़े हुए ऐसे ये हथियार लेकर अपने गंदे से। ओके तो इसको तो मैं जमा दिया, ये मतलब जमा क्या दिया, उसको अपने जाले से लपेट दिया मैंने। और स्पाइडर मंकी को हल्के में मत लेना, मैं स्पाइडर मैन भी बन जाता हूँ वरना। अभी भाई तू गया, ओके तो तू क्या है, सभी गए, तेरे आजू बाजू की सारी टीम खड़ी खड़ी गई। ओके तो आ जा 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 जा। तो भाई साहब ये तो अटैक तगड़ा था बे, ये मज़ेदार था बे, घुमा के फेंकने में मज़ा आया बे बहुत ज़्यादा भाई, ये अटैक तगड़ा है बे, ऐसे ही मारो इन सबको भाई, एक के साथ चार चार जाएंगे। खैर अभी मेरे ये नहीं समझ आ रहा कि यहाँ पे मेरे को करना क्या है, अबे यहाँ पे तो नहीं जा सकता मैं उधर की तरफ में भाई, ये अबे बैन अटक गया बे, बैन बिल्कुल इतने घटिया कंट्रोल के साथ मत चल बे। ओके तो जेट रे आ जा मेरे भाई, अभी इन सबको बता तू भी है फाइटिंग एलियन। वैसे जेट रे फाइटिंग एलियन नहीं है यार, ये इसको गलत ले लिया इस गेम में यार, इसकी जगह इस क्रोमा स्टोन वगैरह ले लेते, डायमंड हेड वगैरह, भाई बहुत सारे एलियन थे यही दिखा था इनको। ओके तो स्पाइडर मंकी और बिग जेट रे बचते हैं बस अब, तो स्विंग किक यही अनलॉक कर लेते हैं। ओके तो ये गया, अब बस जेट रे बचा होगा आई थिंक, तो ये भी गया, तू चल 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 चल। तो गाइस हमने सबके अटैक्स खोल दिए हैं, इसका मतलब यानी कि गाइस स्वम फायर को बहुत बुरी तरह फेल रखा था हमने, अटैक्स ही अटैक्स अनलॉक कर दिए उसके। और भाई मैं बातों में क्या लगा, इन्होंने भाई हद के हद उल्टियाँ करनी शुरू कर दी मेरे ऊपर हैं। अभी खैर अबे तू यहाँ पे क्या चौकीदार है यहाँ का, चल चल फुट फुट, एक एक घुसंड के है नहीं। अबे भाई तू किसका भाई है, उसका भाई होगा तू जरूर, तेरे को तभी गंदी सी फीलिंग आ रही। और ये तो इनके लिए तो बैन काफ़ी नहीं है, अबे इनके लिए स्वम फायर चाहिए। अबे भाई मरते मरते स्वम फायर ने उसको लटका दिया, और तू क्या है बे, मेरे पास फ्लेम थ्रोअर है, और कोई बचा है क्या, अबे बचा है बे कोई ना कोई, तो ये तू गया, अब पटक बे इसको नीचे, गया 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 गया। ओके तो अभी उधर की तरफ में जाना है हमें, तो उधर पे देखते हैं क्या सीन है। अच्छा तो इसको तोड़ना है क्या, तो तोड़ो इसे, तोड़ो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। ओके गाइस तो सीन है कुछ, ओके तो यहाँ पे अभी चलते हैं जल्दी से भाई, बैन इन सबको तोड़ते हैं। अभी भाई यहाँ पे अपना बिग चिल ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपी वगैरह कलेक्ट कर लिया है, तो अभी जल्दी से चलते हैं भाई। इतने अंडे किसके हैं भाई, यहाँ पे डीएन एलियंस ने कोई और भी व्यापार शुरू कर दिया क्या, ये डीएन एलियंस है कि हैं भाई, यहाँ से तो काफ़ी एक्सपी मिली भाई, ये वाला अटैक तगड़ा है इसका स्पाइडर मंकी का, मेरे को तो मन कर रहा बार बार ही ट्राई करूँ इस वाले अटैक को। खैर 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 कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से चलेंगे भाई। भाई यहाँ पे क्या खड़ा होके कर रहा बे तू, अबे भाई इसका बढ़िया घुसंड में मुंह टूटा बे, अबे भाई ये सही अटैक है, अबे भाई यार पर ये हर बारी काम नहीं कर रहा, एक सेकंड यार ये अटैक हर बारी काम नहीं करता, वैसे यार अटैक तगड़ा है एकदम, लटक लटक के मारो ये सही है। खैर यार पर यह बार बार अटैक नहीं कर पाता यार ये सही ढंग से, इस पर निशाना एम बनाना पड़ता है भाई इसमें। अभी खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी जल्दी से यहाँ पे इनको तो मैं ऐसे ही देख लूँगा। अबे जल्दी 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 जल्दी, नहीं 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 नहीं, स्पाइडर मंकी यार पास से देखो तो बहुत ज़्यादा हॉरर लगता है ना। खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी यहाँ पे भाई इन सबको मैं जाले जाले से लपेट दूंगा। अबे चल बे चल, ठीक है इतना बहुत है, थोड़ी बहुत एक्सपी कलेक्ट कर लो, एचपी सॉरी,
एक्सपी बोल दिया मैंने। सो गाइज अभी फिलहाल टाइम आ चुका है एक बहुत ही तगड़े रोस्ट का, यानी कि स्टंट ब्रेकिंग का। तो अभी जल्दी से हमको यहाँ पे स्टंट करना है, आई मीन स्टंट नहीं करना भाई, बहुत तगड़ा काम है ये। ओके तो बच गया, अगर अभी नीचे जाता तो गेम बेकार हो जाता बिल्कुल एक ढंग से। चलो आगे चलो। सो यहाँ पे हम बनते हैं वापस से, बिग चिल की ज़रूरत है यहाँ पे, ताकि हम यहाँ से इधर पे लटक के जा सकें, आई मीन उड़ के जा सकें। तो हल्का हल्का आगे जाइयो भाई 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 भाई, भाई, भाई उड़ा ले उड़ा ले उड़ा ले उड़ा ले, और हल्का 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 हल्का, बच गया बच गया बच गया बच गया। तो अभी और आगे और आगे और आगे, बस पहुँचा पहुँचा। ओके गॉज तो जरा सा बिल्कुल भाई मैं कोने पर ही लटक गया था, खैर कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे भाई ये देखो, मुझे पता था भाई मेरे लिए कोई ना कोई इंतज़ार जरूर कर रहा होगा कोई ना कोई मेरा। खैर अभी बहुत टाइम हो गया यार, अभी इनसे भाई फालतू पंगे नहीं लेने, अभी जल्दी से इन सब का मुंह तोड़ दो जितने भी हैं ये यार, अरे गहरे नत्थु खैरे। अभी ये सब तो गए भाई, गए 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 तुम लोग गए भाई, पता है मेरे को तुम्हारे। ओके तो जेटरे का ही बचा है, तो इसको ही अनलॉक करते हैं, सुपरसोनिक न्यूरो ब्लास्ट। ओके तो तगड़ा ही नाम है भाई, सुपरसोनिक न्यूरो ब्लास्ट भाई, तगड़ा ही नाम है। तो भाई ये तो भाई सही में तगड़ा अटैक है बे, लेज़र। हाँ यार मैं तो भूल ही गया यार, जेटरे लेज़र भी तो मारता है ना भाई, इसकी आँखें हरी इसी मारे जैसे थोड़ा ही है, काफ़ी भाई तगड़ा बना रखा के। तो कुछ सीन है, ये तो भाई कोई बहुत ही तगड़ा मैजिक हॉल लग रहा। ओके तो हमें ये जितने भी स्विचेस दिख रहे हैं इन सबको शट डाउन करना है। ऐसा ग्वेन हमें ऑर्डर दे रही भाई, चल उसका ऑर्डर नहीं मान रहा भाई, हमको गेम क्रॉस करना है इसलिए मानना पड़ रहा, वरना मैं तो मान रहा उसका ऑर्डर। खैर अभी 30 सेकंड का टाइम दिया है, अच्छा तो 30 सेकंड में हमको इनको भी बजाना है और अगला स्विच भी शट डाउन करना, तो ये तो बहुत आसान है, तो एक एक क्षण में निमट जाएंगे। इसलिए भाई अच्छा हुआ मैंने स्वम फायर ले लिया। अभी ये सब तो भाई एक एक नंबर के चूरन है। खैर भाई और तो कोई नहीं बचाना भाई, फ्री फंड में हाथ हिला रहा, खैर कोई दिक्कत नहीं। अभी ये तीनों अनलॉक, चलो वापस। ओके तो स्टोरी सीन है कुछ, ओके तो छत फाड़ दी भाई। ओके तो ये सेम सीन ब्रदर्स वाली सीरीज का है, बिल्कुल ऐसा ही था वहां पे भी। और ये क्रिस्टल ले लिया जो भी है ये, और जेटरे। ओके तो ट्रांसफॉर्म भी दिखा दिया अबे गेम में भाई, तगड़े ये गेम है। तो जेटर चला, तो चलो यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना, जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ, ताकि आपको इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखने को मिले। तो चलो यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।